स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 यानी कि 2022 के टॉप 20 भाई मौलिक अधिकार से क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा एंड तक सभी लोग ज़रूर देखें, ठीक है भाई। परीक्षाओं से पहले आने से पहले ही देखना है आपको वीडियो, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछे ना गए हो, सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो इस CCGL 2017 CCPO UPPCS मेंस, हर जगह पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक आपका क्या दिया गया, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है, बता दीजिएगा। सीधा सीधा आंसर ही बताएंगे तो याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका दो नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य लिखित हैं, तो याद रखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा 11। कितने भाई, 11 मौलिक कर्तव्य लिखित रूप से हैं, सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है, उल्लेखित हैं, हाँ सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्या दिया गया आपका तीन नंबर दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, आपको ये बताना है। सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हो, पूछे गए हैं हर जगह में, सब सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी के तहत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51A में, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका चार नंबर, मौलिक कर्तव्यों को संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भैया, 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, सभी लोग देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी, आपको ये बताना है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा भैया, स्वर्ण सिंह समिति ने, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति ने, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं आपका क्या दिया गया भाई, सिक्स नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, तो सभी लोग याद रखेंगे जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में कब समाविष्ट किए गए, आपसे ये पूछा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा भैया, 1976 में, 1976 में मौलिक कर्तव्य समाविष्ट किए गए, याद रखेंगे, उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, सीएसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया, बताया, फ्रांसीसी संविधान से, भारतीय संविधान से, स्पेनिश और USR संविधान, बताएगा निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है, तो याद रखेंगे सभी लोग, किससे याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा भैया, USSR संविधान, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला दिया गया आपका आठ नंबर, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है, आपसे ये पूछा गया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भैया, मूल कर्तव्य में ये बात कही गई, भारत की प्रभुता एकता खंडता की रक्षा करें, सभी लोगों को याद रखना है। अगला दिया गया आपका नौ नंबर, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उससे अक्षुण रहने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है, आपसे ये दिया गया है, कौन से स्थान पर है, तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तीसरे स्थान पर रखा गया है, याद रखना है सभी लोगों को। अगला दिया गया आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करना यानी अधिकार कर्तव्यों खाली जगह दिए को बाधित करता है, को अनुदेशित करता है, में निहित है, का विरोध करता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है, यानी ऑप्शन आपका बी यहां पे राइट हो जाएगा, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिएगा 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य आपके संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है, याद रखना है सभी लोगों को, उत्तराखंड प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 12 नंबर, भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है, कानूनी अनुशक्ति, राजनीतिक अनुशक्ति,
सामाजिक अनुशक्ति, नैतिक अनुशक्ति। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, कानूनी अनुशक्ति। क्या हो जाएगा भाई? कानूनी अनुशक्ति। ऑप्शन आपका बी सही, ए सही हो जाएगा, सॉरी। सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में। ये दिया गया है भारत के संविधान में के सदा अंग रहे हैं, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, भारत के सभी नागरिकों के लिए अधिदेशात्मक हैं, और डी अधिदेशात्मक हैं। इनमें से कौन सा बात आपका सही है आपको ये बताना है। तो जल्दी से बता दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने दिए गए भैया 1, 2, 3, 4। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर दिया गया, 3 आपके क्वेश्चन है, आपको सही बताना है क्या हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा, केवल 2, यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका क्या दिया गया, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। यानी कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला दिया गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 51A में। किसमें भाई? अनुच्छेद 51A में। सभी लोगों को याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद क्या हो जाएगा 48A, अनुच्छेद 51A का फर्स्ट, अनुच्छेद 51A का जी दिया गया, और अनुच्छेद क्या दिया गया ए भी, दोनों सही हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भैया, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 51A फर्स्ट। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए दिया गया मिश्रित संस्कृत की समृद्ध विरासत की रक्षा, बी दिया गया सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, सी दिया गया वैज्ञानिक मनोधरा और खोज की भावना का विकास, डी दिया गया वैयक्तिक और सामूहिक क्रियाकलाप कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट से के लिए प्रयत्न। तो सभी लोग बताएंगे आपका उत्तर नीचे दिया गया, चुन के बताना है क्या सही हो जाएगा। 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो जल्दी से बता देंगे देखकर 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा भैया, क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 1, 2, 1, 3 और 4 तीनों सही है, 1, 3 और 4। देखेंगे भाई 1, 3 और 4 क्या दिया गया, दिया गया मिश्रित वैज्ञानिक और वैयक्तिक, बिल्कुल राइट हो जाएगा 1, 3 और 4। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 18 नंबर देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य है? ऑप्शन ए दिया गया था आपका समाजवाद से, ठीक है, दूसरा था संविधान का पालन करने से, तीसरा था संप्रभुता से, और ऑप्शन आपका डी में चौथा दिया गया है देश की सामाजिक संस्कृति से दिया गया है, और आपको बताना है 18 नंबर का राइट आंसर। तो भैया सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा इसमें से क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका भाई क्या सही हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, 2, 3 और 4 सबरे के सबरे सही हैं। क्या सही हैं? 2, 3, 4, यानी कि संविधान का पालन करना और राष्ट्र तथा राष्ट्रगान का आदर करना, ठीक है, बी दिया सी सॉरी 3 नंबर दिया गया भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना, डी दिया गया आपका देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका तीनों राइट। क्या हो जाएगा, तीनों राइट हैं भाई, सभी लोग याद रखेंगे लास्ट वाला भी। और पहला में क्या दिया गया था इसमें आप देख सकते हो, दिया गया है पहले नंबर में समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद और लोकतंत्र में विश्वास करना, ये आपका गलत हो जाएगा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन कौन से संविधान उल्लेखित मूल कर्तव्यों में सम्मिलित हैं? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सबसे पहले देखेंगे राइट आंसर, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि 2, 3, 4 तीनों सही हैं। कौन कौन से सही हैं भैया आप देखते हैं इसको, यानी कि 2 सही है आपका, 3 भी सही हो जाएगा, 4 भी।
पहला नंबर देखेंगे हम, एक नंबर देखें नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना गलत हो जाएगा। ठीक है, दिया गया भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता बनाए रखना एवं उनकी रक्षा करना बिल्कुल राइट है। हमारी सामाजिक संस्कृति की वृद्धि विरासत का आदर करना एवं उसे बताए रखना। डी दिया गया है सामाजिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, बिल्कुल राइट है। यानी कि ऑप्शन आपके 2, 3, 4 तीनों आपके सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए दिया गया राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना। बी दिया गया आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना। सी दिया गया सामाजिक सुधार का प्रयास करना। डी दिया गया अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करने के तथा उसका संरक्षण करना। और इसका दिया गया सही उत्तर निम्नलिखित कूट में से छांट कर आपको बताने हैं। तो बता दीजिएगा भाई आपके राइट आंसर इसमें दिए गए हैं, जल्दी से आपको बताना है। तो याद रखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और चौथा, बिल्कुल राइट है। किसका भैया? दूसरा और चौथा। यानी कि देखेंगे भैया दूसरा क्या दिया गया आपका, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, बिल्कुल राइट है। बी दिया गया है अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना, बिल्कुल राइट है भाई। जौन सा सामाजिक जीवन हमारा चल रहा है ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है भाई। विचारधाराएं नहीं बदलनी चाहिए, ये बात कही गई, कहा गया है आहान के, आहान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, यानी देश के प्रति सेवा भी करनी अत्यधिक आवश्यक होती है, याद रखें। तो भाई ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप मौलिक अधिकार से, कहाँ से भैया? मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मौलिक अधिकार, ठीक है भाई। तो ऐसे ही वीडियो आपको UP SSC पेट तक पेट के मिलते रहेंगे जब तक कि पेपर नहीं होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भाई वीडियो को सारे लोग अटेंड किया करें, देखा करें, और मिलते हैं चलिए भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बने रहिएगा हमारे चैनल पर।